सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स को, और स्टडी से रिलेटेड सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जैन दोस्तों, बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2015 की सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में। काफी बड़ी जानकारी निकल के आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर दिया गया है, तो उसी ऑर्डर को यहाँ पे आप डिस्कस करने वाले हैं और पूरी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूँ कि उस ऑर्डर के बाद क्या चेंजेस हुए हैं, यहाँ पे बोला गया है कुछ इंपॉर्टेंट बातें तो आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कोड नंबर 2 सेकंड में इसे डिसीजन दिया गया। रेट नंबर देख सकते हैं 12307/2018। पिटिशनर रूपचंद एंड 4 अदर्स हैं, और जो एडवोकेट साहब हैं वो कृष्णमूर्ति सिंह और विजय गौतम जी हैं जो इसके एडवोकेट थे, जो इस केस को देख रहे थे। तो इसका जो फाइनल डिसीजन था वो फाइनल डिसीजन हो चुका है, और डिसीजन क्या होगा वो भी यहाँ पे मैं आप सभी को क्लियर करने वाला हूँ। कितनी वैकेंसी खाली है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप सभी की क्लियर हो जाएंगी। तो होनेबल सुनीत कुमार जी ने ये ऑर्डर दिया है, तो यहाँ पे काउंटर एफिडेविट जो दिया गया था, तो उसके बाद यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं। पिटिशनर अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफएस 2015 की यहाँ पे बात की जा रही है कि 24/1/2015 को जो इसकी विज्ञप्ति थी वो जारी की गई थी और कैंडिडेट ने इसके लिए अप्लाई किया था, बट कैंडिडेट वॉज नॉट सेलेक्टेड। तो ये सारी चीज़ें बात की गई हैं कि कैंडिडेट सेलेक्टेड नहीं था। उसके बाद उसने केस फाइल किया, रिट डाल दी। तो उसके बाद नीचे अगर हम बात करें कि यहाँ पे देखेंगे इश्यू ए रिट ऑर्डर डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ मेमोरेंडम, तो यहाँ पर टोटल आप देखेंगे रेस्पोंडेंट अथॉरिटी टू डिक्लेयर द रिमेनिंग रिजल्ट ऑफ अनफिल्ड 7052 वैकेंसी। जी हाँ, यहाँ पे क्लियर कर दूं मैं आप सभी को, जो अनफिल्ड वैकेंसी हैं, जिन वैकेंसीज को नहीं भरा गया है, वो 7052 वैकेंसी रह गई थी, जो कि आप सभी को क्लियर कर दूं 2015 में ओवरऑल जितनी वैकेंसी थी ऑल इंडिया में 7052 वैकेंसी को खाली छोड़ दिया गया था, जिसके बारे में बात की गई थी कि जितनी बार वैकेंसी रह गई हैं उन वैकेंसीज को भरा जाए। एसएससी जीडी 2015 में असम राइफल्स वगैरह की जो वैकेंसी निकली थी उसमें क्लियर इन्हें फिल किया जाए, लेकिन यहाँ पे कोई भी इसे फिल नहीं किया गया वैकेंसीज को। उसके बाद एक ऑर्डर और जारी हुआ था, आप सभी को मे भी पता होगा, एक पटना हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया था पिंटू कुमार सिंह एंड अदर्स की तरफ से, यूनियन ऑफ इंडिया एंड द अदर्स सिविल रिट एडजुडिकेशन केस नंबर 4547/2017। तो 2017 का ये केस था जिसकी रिट संख्या थी 4547। पटना हाईकोर्ट की तरफ से ये डिसीजन दिया गया था कि जितनी और वैकेंसी हो उन पर जल्द से जल्द डिसीजन लिया जाए। 7 सप्ताह का या 6 सप्ताह का कुछ टाइम दिया गया था वहाँ पे भर्ती बोर्ड को कोर्ट की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ था और अभी तक उसमें कोई भी चीज़ नहीं हुई वहाँ पे ही। इसी चीज़ को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इसी केस को टारगेट किया गया और बताया गया कि इस केस में जो डिसीजन दिया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया है। एक चीज मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, यहाँ पे बोला गया है कि 2 मंथ्स में, यहाँ पे देखेंगे प्रिफरेबली विद इन ए पीरियड ऑफ 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर अलोंग विद कॉपी ऑफ रिट पिटिशन एंड द जजमेंट रीरेंडर्ड इन द पिंटू कुमार सिंह ब्रा। तो यहाँ पे जो कोर्ट ने बोला गया है, कोर्ट ने ये बोल दिया, इट इज क्लैरिफाइड दैट द कोर्ट हैज नॉट कंसीडर्ड द राइट एंड द कंटिन्यूएंस ऑफ द पिटिशनर ऑन मैरिट। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि कोर्ट ने ऐसे सुना, इस पर ऑर्डर भी दिया, लेकिन ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर ये हुआ कि इन्होंने बोला कि जो पटना हाई कोर्ट का केस था पिंटू कुमार एंड अदर्स वाला, उसमें जो ऑर्डर दिया गया था सेम उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने उसी को टारगेट करते हुए बोल दिया कि जो ऑर्डर वहां पे हुआ था सेम उसी चीज को देखते हुए भर्ती बोर्ड डिसीजन लेगा, और 2 महीने के अंदर अगर ऐसा कोई भी प्रोसीजर है जिसके अकॉर्डिंग वैकेंसीज को भरा जा सकता है, तो 2 महीने के अंदर जब से ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया गया 20 अगस्त को, तो 20 अक्टूबर तक इन वैकेंसीज को फिल किया जाए। लेकिन यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि कोर्ट की तरफ से एक चीज़ और बोल दी गई है कि ये पिटिशनर की तरफ से सही है या गलत, इस चीज़ का हम ये नहीं करते हैं, क्लियर कर दिया है कि हम ये नहीं दोबारा से मेरिट लिस्ट लगाएं या ना लगाएं, इन वैकेंसीज को फिल करें या ना करें, यानी कितने भी ऑर्डर हो जाएं अभ्यर्थियों के हाथ में अंत में कुछ नहीं आता। तो वही सेम हमेशा की तरह यही हुआ इस बार भी
कि अभ्यर्थियों ने कुछ कोशिश की कुछ लोगों ने, हालांकि रिजल्ट पता था कि ये होना है मे बी, बट पता नहीं कि किसका फॉल्ट है हम कह नहीं सकते, लेकिन इतना है अभ्यर्थियों का तो भाई कोई दोष है नहीं, जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अंत में रिजल्ट यही निकलता है कि कुछ होता नहीं है। पहले पटना हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसके बाद भी एसएससी ने वैकेंसी को फिल नहीं किया, अब यहाँ पे भी इन्होंने बोल दिया कि पिंटू वाले केस को फॉलो करते हुए 2 महीने के अंदर इन वैकेंसीज को फिल किया जाए, तो अभ्यर्थी 2 महीने और इंतजार करेंगे फिर देखेंगे। मतलब 3-4 साल तो गुजरी चुकी हैं, तो उम्मीद तो ना के बराबर अभी है ही, अब उम्मीद कर भी क्या सकते हैं, बट मे भी कुछ हो जाए तो अच्छी बात है, बट देखते हैं कि आगे क्या होना है। आगे जैसे ही कोई अपडेट होगी, तुरंत कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी, मैं आप सभी को अपडेट कर दूंगा, लेकिन फिलहाल की अपडेट कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि 2 महीने तक और इंतजार करते हैं, 2 महीने के अंदर कुछ भी डिसीजन होगा तो आप सभी को मैं बता दूंगा। उम्मीद करते हैं कि मे भी भगवान करे कि कुछ अच्छा डिसीजन हो जाए, लोगों को नौकरी मिल जाए तो अच्छी बात होगी, क्योंकि 7052 वैकेंसी खाली है। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि एसएससी को अभ्यर्थियों को हित करते हुए इस डिसीजन को लेना चाहिए, और जितनी बार अनफिल्ड वैकेंसी है उन वैकेंसीज को भरना चाहिए, जिसमें कि एक रेस्पेक्ट होगी कोर्ट के प्रति भी, कि भाई कोर्ट का ऑर्डर उन्होंने माना, अब मानना नहीं करनी चाहिए कि वो हर बार कोर्ट के ऑर्डर को नेग्लेक्ट करते हैं, कोई वैल्यू नहीं दें। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बार एसएससी जो होगा अच्छा डिसीजन लेगा और अभ्यर्थियों के हित में लेगा। तो आज की बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूँ आप सभी को दी गई जानकारी से सेटिस्फाई हुए होंगे, दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हर एक अभ्यर्थी के पास ये पहुँचनी चाहिए, एसएससी का कोई भी अभ्यर्थी हो सभी के पास ये वीडियो होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले टाइम में भी एसएससी ऐसा किसी भी अभ्यर्थी के साथ ना कर पाए। एसएससी जीडी के बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं और ऐसा 2011 13 15 हर एक भर्ती में होता ही होता है। तो भाई मैं तो कहूँगा पैरेलली सभी लोग साथ चलिए, एक दूसरे को सपोर्ट करिए, तभी जाके कुछ हो पाएगा और तभी ये जाके सिस्टम चेंज हो पाएगा, अन्यथा ऐसे ही घूमते रहेंगे जैसे 2011 वाले 8 साल के बाद भी आज भी घूम रहे हैं, 2015 वाले भी आज भी घूम रहे हैं। तो इसी तरीके से हर एक अभ्यर्थी इस स्टेज से गुजरेगा और वो घूमता रहेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को एक बार शेयर जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी एसएससी जीडी से जुड़ी सबसे पहले अपडेट आप सभी को यहाँ पे मिल जाएगी। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।